लक्ष्मी काकी सर, आप लोग यहाँ? जीजा, ये कौशल्या काकी सा है और ये लक्ष्मी काकी सा हमारे साथ बीरपुर में रहते थे और ये हमारी जेठानी सा है मैथिली जीजा। ऑफिसर शांतनु कुमार PhD में काम कर रहे हैं। हाँ, शक्ल तो जानी पहचानी है। भाभी साहब, शरबत चाहिए, कहाँ रखा? ये लोग ठीक है, सोई में चल लेकर। ठीक है। ओके। राजस्थान का खास सर है। वैसे इससे पहले कि आप कभी राजस्थान आए हैं? पहली बार यहाँ पहुँचे। मतलब यहाँ और चंदनगढ़ को छोड़कर आप किसी भी गांव में नहीं गए? कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ, एक बार जयपुर गया था लेकिन उस बात भी हादसा हो गया, और इस बार जब आया तो पहले सीधे PhD के ऑफिस और वहाँ से आपकी सेवा में आया। लेकिन क्यों? नहीं, वो बस ऐसे। देख रहे हो, फिर से वो टकरा है, बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं एक दूसरे को। थॉट आया, कहाँ देखा होगा, क्यों बोल रहे लोग ऐसा? तो वो तो देखा होगा, मैं सोच रहा हूँ। फोन में फ्लैश क्या है? मैंने आपको पहले भी देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। उसने मना किया, मैंने आपने कहीं नहीं देखा था मुझे, और आप निकल गए। बाद में आ जाए। एक्शन। गए, देखा। आप कौन कर रहा? सुनहरी भाई साहब, ले जाके अपनी भाभी को अपने कमरे में छोड़ दीजिए। भाभी जी, चलो बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी निपटा लें, जल्दी की। ये देखा, उसको कुछ इशारा कर रहा है वो कि बाहर मिलना बोल के। उसने हाथ किया उसको, मिलती उम्र। एंट्री। चल ना, सोच कर रही हूँ, उठा। आओगे? ठीक है, पिलर बन गया ना वहाँ। अच्छा, जरा ध्यान से देखो लक्ष्मी, देखा देखा सा लग रहा है। बीरपुर में शायद कभी। हाँ, शक्ल तो जानी पहचानी। थोड़ा बैलेंस पीछे। भाभी साहब, और शरबत चाहिए, कहाँ रखा है? वो हो गया आगे, ये लास्ट का, ये लोग गए। रोलिंग एंड एक्शन। देखा आपने, और टर्न, थोड़ा और कम लीजिए, और टर्न। हाँ, एंड एक्शन। कट के कहाँ है? बारू नहीं दिखी। हाँ, वो चले। टर्न। साइलेंस प्लीज। पता नहीं अचानक से मासा की तबीयत खराब हो गई, पापा साहब ने डॉक्टर के पास ले जाया। मक्खी, एक मिनट।
देखा देखा आपने सुनेरा सुनेरा ओके जा मस्ती कर रहा उसके साथ वो लाके दिया लगाया लगा दिया और ये कुछ गेस्ट आए दिखा आपको हाँ सब हो गया गेस्ट आने शुरू हो गए देखा कुछ लोग गेस्ट आ रहे हैं हाँ गेस्ट आ रहे हैं कुछ देख रहे हैं पहले कुछ लोग आ रही थे उसके बाद उठे हाँ रोलिंग रजी उठी आई अरे वाह बड़ी प्यारी है कोई क्यों देगा रोलिंग यार क्यों दो ना कोई लेफ्ट लुक एंड एंड एक्शन और आपने देख ये देखने से मक्खी रोलिंग एंड एक्शन कौशल्या काकी सर नहीं अभी बाहर वाला नहीं अभी बाहर वाला थोड़ा बैलेंस हाँ वन मोर एंड थोड़ा देखा कुछ स्माइल कर रहा है उसको कोशिश कर रहा है पटाने की थोड़ा सा नजदीक आके वापस गिफ्ट देने लगा नजदीक आया आया जाओ नजदीक आओ ये बहुत ब्लैंक हो गया देखा कि पारो ने देखा नहीं देखा अब देखा वापिस देने लगा जा सुनहरी सारी शताब्दी भाभी सा को उनके कमरे में तक छोड़ गया उठने लगा उठने लगी हाँ बाहर बोल दे बस नीचे ही रखना फेस रजिक हाँ और रोलिंग सर एंड रोलिंग एंड यहीं से एक्शन यही डायलॉग हाँ एक्शन मोहिनी की लाइन ये इसी लाइन पे तब हो जानी चाहिए जैसे ये अभी जो ट्रैक चल रहा है उसमें शांतनु चाहता है कि पारो को पता चल जाए कि शांतनु का और सुनहरी का कुछ चल रहा है ताकि बाद में जब सिचुएशन आए तो पारो से हेल्प कर सके इसलिए वो जानबूझ के चाहता है कि पारो ये सब देख ले कि क्या हो रहा है सिर्फ ये पारो का था कि आपको मतलब अपना भी कुछ ऐसा है शांतनु का कि हाँ सुनहरी को पसंद करने लगे नहीं पसंद तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी नहीं करता है और वो तो चाहता है कि उसे मार दे
लेकिन मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे अभी रिवील करेंगे कि वो पहले कैसे उसे, ऑब्वियसली वो कोशिश करेगा कि उसे उससे प्यार हो जाए और बाद में उसका फिर वो मर्डर जब करेगा तो करेगा। और ये बताइए कि बीएससी में आप हैं और मतलब घर पे क्या कर रहे हैं, आपको तो मतलब काम करना चाहिए। हाँ, बीएसडी में हूँ लेकिन मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि मैं इनके घर में जो पारो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए ड्यूटी घर पे लगी है। हाँ, तो मतलब कितना ज़्यादा मतलब हेल्प करने वाले यहाँ पे औरतों के बीच में आप बैठे हैं? हेल्प तो नहीं करने वाला है, मेन तो उसका यही है कि वो रिवेंज लेने आया है पारो से और रुद्र से, लेकिन वो चाहता है कि इन सबके बीच में काफ़ी घुल मिल जाए ताकि बाद में जब उन्हें धोखा दे तो उन्हें वो बहुत चुभे। तो मेरे ख्याल से उसमें मज़ा भी ज़्यादा आएगा बिकॉज सबको वो सब उससे ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे और बाद में जब किसी को मारेगा तो फिर शौक भी उतना बड़ा होगा। मैं तो बोलूँगी अच्छा ही हुआ, मेरी सौतन होने वाली थी, देवरानी बनकर आ गई। एनीवेज उसके पति ने उससे मजाक करने के लिए उसके पानी में खुजली का पाउडर मिला दिया। अब वो बिताओ में आकर नहा कर आ गई, सो खुजाते बैठी हुई है, लाल लाल चेहरा हुआ पड़ा है और हम लोग मलम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इज्जत तो बचा ही रहते आपके घर की, अब बहू हो गई है। हाँ, उसी बात का तो ध्यान रखना है कि घर की बहू हो गई, इसीलिए मलम लगाया जा रहा है, चंदन लगाया जा रहा है। अदरवाइज अगर सौतन की बात करूँ तो मैं तो मिर्ची पाउडर मिला दूँ उसमें। फिर कहीं ना कहीं एक तरफ आप मतलब कि यहाँ पे कुछ चल रहा है और उधर पीछे में शांतनु और सुनहरी का भी कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, एज अ मैथिली मेरा ध्यान नहीं उस चीज़ की तरफ, पर शांतनु और सुनहरी के बीच एक नया रोमांस क्रिएट किया जा रहा है, देखिए क्या होता है आगे आगे। तो फिर मतलब अभी तो आपकी देवरानी हो गई है, तो मतलब अब मतलब उनको कैसे टैकल करना है, क्योंकि वैसे भी परिवार वाले तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे उनको। देखिए, रिश्ता जब जुड़ता है तो धीरे धीरे वो कोई भी चीज़, पहले बीज पड़ता है फिर वो पौधे में तब्दील होता है, तो स्लोली स्लोली वो डेवलप हो जाएगा, परिवार भी एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं अपनी सौतन को अपनी देवरानी के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो बाकी के लोग तो कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच।